जब कोई 12th तक के स्टूडेंट नर्सिंग में आता है तो उसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता नहीं होता, इसे बोलते क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्या है। सबका यूज किसके लिए किया जाता है? बीपी चेक करने के लिए, ब्लड प्रेशर। बीपी का फुल फॉर्म क्या है? ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए करते हैं। और इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 120/80 mmHg। स्टार्टिंग की बात करें तो ये हमारे सामने बीपी अपरेटस होता था, जिसके अंदर आप देख सकते हो बीपी कफ है। और इसके यूज के लिए, बीपी चेक करने के लिए, हमें स्टेथोस्कोप का यूज करना पड़ता था, जिसे हम बोलते हैं मैनुअल बीपी अपरेटस। हेलो, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हमारे सामने कुछ इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम क्या है, इससे हम क्या यूज करते हैं और नर्सिंग में इसका क्या रोल है, मतलब हमें क्या करना होता है। हमारे सामने इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम क्या है, क्योंकि बेसिक जब कोई 12th तक के स्टूडेंट नर्सिंग में आता है तो उसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता नहीं होता, इसे बोलते क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्या है, इसका क्या यूज है। बीपी चेक करने के लिए हम यूज में लेते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप मेरे सामने देख रहे हो, इन सबका यूज किसके लिए किया जाता है? बीपी चेक करने के लिए, ब्लड प्रेशर। बीपी का फुल फॉर्म क्या है? ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए करते हैं। और इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 120/80 mmHg। 120 सिस्टोलिक बीपी एंड 80 mg इज द डायस्टोलिक बीपी। अब सबसे पहले, अगर हम बहुत पहले की स्टार्टिंग की बात करें, तो ये हमारे सामने बीपी अपरेटस होता था, जिसके अंदर आप देख सकते हो बीपी कफ है। और इसके यूज के लिए, बीपी चेक करने के लिए, हमें स्टेथोस्कोप का यूज करना पड़ता था, जिसे हम बोलते हैं मैनुअल बीपी अपरेटस। मैनुअल बीपी अपरेटस के लिए आपको क्या चाहिए? स्टेथोस्कोप चाहिए, जिसकी हेल्प से आप बीपी को चेक करते हो। और यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको लेना नहीं आता, आपको समझ में नहीं आता कि कैसे पिन को होल्ड करना है या कैसे टाइट करना है, कैसे प्रेशर देना है, कैसे उसे रिलीज करना है, तो कहीं ना कहीं आप बीपी रॉन्ग असेसमेंट कर रहे हो, रॉन्ग मेजरमेंट कर रहे हो। इसीलिए आपको बीपी मेजरमेंट सिखाया जाता है कि मैनुअली कैसे चेक करते हैं। अगर मैं मैनुअल की बात करूँ तो ये स्टार्टिंग में जो यूज होता था, इससे एक्यूरेट बीपी आता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक्यूरेट बीपी चेक करता है। अब हमारे सामने दूसरा बीपी अपरेटस है, इसे हम बोलते हैं, ये डिजिटल बीपी अपरेटस है, जिसकी हेल्प से अब इसमें आपको कुछ करना नहीं, मैनुअल में आपको बहुत चीजें करनी है, लेकिन यहाँ पे एक स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है, जिसे प्रेस करके आप बीपी को, इसको स्टार्ट कर दो और बीपी अपने आप आ जाएगा। आपने पेशेंट के हैंड्स पे क्या बीपी कफ को बांधा और बीपी कफ अटैच्ड इस मशीन के साथ में है, जिसके बाद आपको स्टार्ट बटन को प्रेस करना है और अपने आप ये प्रेशर रिलीज करेगा, ऑन करेगा और अपने आप ही बीपी बता देगा। मीन्स आपका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, हमारा यहाँ पे कोई रोल नहीं है, हमने सिर्फ इस बीपी कफ को, लेकिन बीपी कफ जो है हैंड्स में, वो एक्यूरेटली एक मतलब मेजरमेंट जो है, जो उसका प्लेस है वो एक्यूरेट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। उसका साइज स्मॉल लार्ज कितना है वो पेशेंट के बेसिस होता है, या पीडियाट्रिक पेशेंट का ले रहे हो या फिर आप एडल्ट पेशेंट का ले रहे हो, उसके बेसिस पे हम इसका यूज करते हैं। बीपी कफ का जो आपका सिलेक्शन होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाकी अगर मैं वेरिएशन की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। हाँ, वेरिएशन मशीन है तो हो सकता है, वो तब होता है जब इसका बीपी मीन्स बैटरी चार्ज ना हो। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे पीछे बैटरी लगता है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैटरी का यूज होता है। कहीं ना कहीं अगर बैटरी डाउन है या बैटरी चार्ज नहीं है तो ये सही से बीपी नहीं दिखाएगा, ये एरर शो करेगा और बीपी भी रॉन्ग दिखा सकता है, तब वेरिएशन आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत ही आता है, गलत नहीं आता है, ये भी एक्यूरेट देता है। बहुत माइनर सा जो डिफरेंस है वो मैनुअल के कंपैरिजन में इसका होगा। और आप अगर ये बोलना चाहोगे कि हम किस पे बिलीव करें, आप इस पे भी बिलीव कर सकते हो, आप इस पे भी, ये एक्यूरेट देता है क्योंकि हम खुद इसका असेसमेंट कर रहे हैं। मशीन है तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो मैनुअल के बारे में भी पता चल गया, मैनुअल का असेसमेंट कैसे करते हैं वो हम पहले ही जान चुके हैं, अलग से सेपरेट हम मैंने बता भी दिया है कि किस तरह से हमें चेक करना चाहिए, क्या क्या हमारा रोल होता है। बट ये थोड़ा डिफरेंस था कि ये डिजिटल है और ये मैनुअल है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब हम पहले ही सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू सो मच, आई होप सो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता चल गया होगा कि क्या है। बीपी अपरेटस का यूज हम बीपी को मेजर करने के लिए करते हैं और जिससे हम बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।